हेलो एवरीवन दिस वीडियो इज़ फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स जो लोग दिसंबर 24 या जून 25 में अपना एग्जाम देने वाले हैं इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं अबाउट द न्यू बैच ऑफ योर पेपर नंबर 18 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये वीडियो उनके लिए भी रेलिवेंट है जो डिसम्बर ट्वेंटी या जून ट्वेंटी के लिए ऑलरेडी एनरोल करा चुके हैं एंड उनके लिए तो रेलिवेंट है ही जो अभी एनरोल कराने वाले हैं वैसे तो आप लोग का जो न्यू सिलेबस है जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर पैटर्न है एमसीक्यू का जो वेटेज है डेस्ट का जो वेटेज है इंडेस में जिस डेप्थ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट अपडेटेड रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल है ही जो लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगातार रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर सी का न्यू लाइव बैच कब से स्टार्ट हो रहा है स्पेसिफिकली क्योंकि इनडेस में बहुत अच्छे डेफ्थ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूरा क्वेश्चन पेपर ही इंडेस से भरा हुआ है तो एटलीस्ट इन डेस का तो लाइव क्लासेस करा ही दीजिए इसलिए अभी अपने आज नया लाइव बैच ऑफ सी एफ आर अनाउंस कर रहे हैं तो सर ये बैच कब से स्टार्ट होगा ये बैच अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सेवेंथ ऑफ ऑगस्ट से जैसे ही सेवंथ ऑफ ऑगस्ट आप देखते हो वैसे ही डिसंबर ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स के दिमाग में यह ऑब्वियस आएगा कि सर अगर आप सेवेंथ ऑगस्ट से स्टार्ट करेंगे तो बैच कंप्लीट कब होगा और हम लोग कब प्रिपेयर करेंगे कब रिवाइज करेंगे तो गाइज आप लोग के लिए कंप्लीट प्लान बताने वाले हैं थोड़ा सा पेशेंस रखेगा वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो सेवेंथ ऑगस्ट को अपने बैच स्टार्ट करेंगे अपना क्लास का टाइमिंग रहेगा मंडे टू सैटरडे एट ए एम और वैलिडिटी आप लोग को एग्जाम टर्म तक मिलता है अगर आप डिसंबर तक ऑप्ट करेंगे तो थर्टी फर्स्ट डिसंबर तक का मिलेगा जून ट्वेंटी फाइव ऑप्ट करेंगे तो थर्टी एथ जून तक का वैलिडिटी मिलेगा टू हार्ड कॉपीज आर प्रोवाइडेड एंड वन सॉफ्ट कॉपी जो एमसीक्यू बुकलेट है वो आप लोग को सॉफ्ट कॉपी में दिया जाता है अब बात उठता है कि सर डिसंबर ट्वेंटी फोर वाले स्टूडेंट्स कैसे कवर करे अगर सेवेंथ ऑफ ऑगस्ट से स्टार्ट होगा तो तो गाइस सेवन्थ ऑफ ऑगस्ट से जब अपने स्टार्ट करेंगे तो अपने स्टार्ट करेंगे विथ इन डेस पोर्शन जिसमें अपना इलेवन इंडेस का अराउंड थर्टी टू थर्टी फाइव क्लासेज आप लोग को मेरे साथ कवर करना है थर्टी टू थर्टी फाइव क्लासेज में अपने सारा इन डेस कवर करेंगे और जो लोग आप लोग मेरे साथ सेवन्थ ऑगस्ट से लाइव अटेंड करोगे लाइव कवर करोगे बाकी का जो चैप्टर्स है सर बाकी का चैप्टर्स ये आप लोग के लिए यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिए हैं जो आप लोगों को लेटेस्ट रिकॉर्डिंग से कवर करना है इसमें बेसिक्स जिसमें अराउंड फाइव सिक्स क्लासेस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाकी के पूरे चैप्टर्स को समझने के लिए शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेस 102 जीरो टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एनबीएफसी बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गवर्नमेंट अकाउंटिंग ये टोटल मिला करके आपका अराउंड सिक्सटी क्लासेस होता है जो कि आपको लेटेस्ट अपडेटेड जो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है उससे कवर करना है ये 100% आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है अगर आप इतना क्लासेस कर लेते हैं तो ये सारे चैप्टर में आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे और एग्जाम के लिए एकदम 100% रेडी हो जाओगे इवन जो इनडेस्क का क्लासेस है रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी जो अवेलेबल है वो भी एकदम रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए बट क्योंकि क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा डेप्थ आपने देखे कि थोड़ा और ज्यादा डेफ्थ में वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं

मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक एक बात समझाया हुआ है जो थोड़ा सा और एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो आप लोग भी लाइव ज्वाइन कर सकते हो वेन वी स्टार्ट फ्रॉम सेवेंथ ऑफ ऑगस्ट इवन फॉर जून ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट आई विल स्ट्रॉन्गली एडवाइज आप लोग भी कम से कम ये तीन टॉपिक कम से कम ये तीन चैप्टर अराउंड ट्वेंटी फाइव क्लासेज होता है बेसिक्स शेयर बेस्ड पेमेंट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल आप लोग सेवेंथ ऑगस्ट के पहले कंप्लीट कर दो और सेवेंथ ऑगस्ट को मेरे साथ लाइव ज्वाइन करो फॉर इंडेस क्लासेस अगर आप बाकी चैप्टर्स में भी कुछ चैप्टर्स कवर कर पाओ तो एकदम बेस्ट होगा राइट ये चैप्टर अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का इंडेस का अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प होगा

क्लासेस uh, मतलब आप डिले करना अफोर्ड कर नहीं सकते आपको फटाफट से सेप्टेंबर एंड तक एटलीस्ट आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आपको टारगेट करना चाहिए फिफ्टींथ टू ट्वेंटी फिफ्टींथ टू ट्वेंटी एथ सेप्टेंबर लास्ट बाई थर्टी एथ सेप्टेंबर आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए इंक्लूडिंग द इंडेस पोर्शन एंड इंक्लूडिंग द रिमेनिंग चैप्टर्स फॉर जून ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स आप लोग के लिए भी अगर आप स्टे अहेड रहते हो तो आप लोग के लिए ऑब्वियसली एडवांटेज होगा तो तो कम कम से कम ये तीन चैप्टर तो आप लोग को इमीजिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए जो कि आपको हेल्प होगा इंडेस का क्लासेस समझने में भी आप लोग सेवेंथ ऑगस्ट से फिर इंडेस के लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो गाइज अपने जो क्लासेस करते हैं वो ऑब्वियसली एकदम लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग का जो सिलेबस है वो डिफाइन सिर्फ इंस्टीट्यूट के मैट से नहीं होता है जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आ रहा है जिस तरह का मॉडल क्वेश्चन पेपर आ रहा है इन सारी चीजों को देखते हुए आप लोग का सिलेबस डिफाइन होता है बिकॉज इंस्टीट्यूट के मटेरियल में इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज में बहुत ही कम नंबर ऑफ क्वेश्चन है खाली टॉपिक का एक पैरा दे दिया बट उसके ऊपर एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए अपना अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर के आपको सेकेंड थॉट नहीं देना पड़ेगा बिकॉज हर एक टॉपिक को अपने विथ मल्टीपल एग्जाम्पल सो दैट आपको बात प्रैक्टिकली समझ में आए अपने उस तरह से अपना क्लासेस करते हैं क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होगा क्लास में वो एकदम सफिशियंट होगा इसके अलावा जो अपने क्लास में कवर करेंगे उसके अलावा आपको और कुछ भी करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा करेक्ट और कवरेज को लेकर के भी आप एकदम निश्चिंत रहिए इंस्टीट्यूट का मैट हो या पीवाई हो बिकॉज इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज में बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो अपने वेरियस सोर्सेज से और बहुत सारे क्वेश्चन ला करके क्लास में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कवरेज को लेकर के भी एकदम निश्चिंत रहना है ऑल गाइस, गाइज तो सी यू इन द क्लासेस थैंक यू सो मच टाटा बबाई